हाय गाइस, आप स्वागत है द न्यू ट्यूगल चैनल पे। मेरा नाम है नीताशा सिंह और ये है हमारी बहुत ही पॉपुलर लिस्ट बेस्ट फोन 10,000 रुपए के बजट में इस महीने। इस महीने ये लिस्ट हमारी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि पूरी तरह चेंज हो गई है। मतलब हर बार ऐसे होता था कि हमारी जो लिस्ट होती थी उसमें एक दो फोन नए ऐड होते थे जो कि लॉन्च हुए हैं उस महीने में, लेकिन इस बार की पूरी लिस्ट चेंज हो चुकी है क्योंकि जो हमारे पिछले फोन्स चल रहे थे उन सब का प्राइस बढ़ गया है। तो प्राइस बढ़ने के बाद इस बार जो आपको 10,000 रुपए के बजट में बेस्ट फोन मिल रहे हैं वो है हमारे काफी अलग। तो चलिए फटाफट से ये एक्साइटिंग सी लिस्ट। तीसरे नंबर पे आता है हमारा कौन सा फोन? तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास Realme की तरफ से एक काफी बढ़िया फोन जो कि है Realme 5i। सबसे पहले इस डिवाइस के अंदर हमें मिलता है Snapdragon 665 का प्रोसेसर जिसके अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। आप इसमें PUBG को भी काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने PUBG इसके अंदर खेली है और रिकमेंडेड सेटिंग्स पे आपको खेलने में इस डिवाइस में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ डिवाइस के अंदर हमें 6.52 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले हमें HD प्लस मिलता है इस बजट के अंदर अब क्योंकि फुल HD प्लस वाले जितने भी डिवाइसेस थे वो सब तो हमारे अब 10,000 के ऊपर चले गए हैं। वैसे डिस्प्ले आपको ऐसे बुरा नहीं लगेगा, आप देख सकते हैं गेमिंग में भी ब्राइट और कलरफुल नजर आएगा और आप इसमें आराम से मूवीज वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ डिवाइस के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जिससे कि डिवाइस को पूरा दिन मजे से यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा भी यूज करना चाहे, पूरे दिन गेम खेलना चाहे, वीडियोस देखना चाहे, आराम से यूज कर सकते हैं। बैटरी एक दिन का बैटरी बैकअप आपको बहुत ही आराम से दे देगी हैवी यूजेज में भी। उसके साथ चार्जिंग जो है वो हमें फास्ट नहीं मिलती, 10 वॉट का चार्जर मिलता है। बेस्ट रहेगा कि आप डिवाइस को रात को चार्ज करें क्योंकि आपको 3 घंटे के आसपास टाइम तो लग ही जाएगा फुल 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में, तो रात को चार्ज करना ज्यादा बेटर है इस डिवाइस को। इसके साथ आपको कैमरास की बात करें हम तो क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट। साथ ही हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ये आप देख सकते हैं सैंपल्स आपके सामने हैं, आपको काफी सारे इसके अंदर मोड्स मिल जाते हैं और पिक्स हमारी बजट के हिसाब से देखा जाए अभी जो कॉम्पिटिशन में हमारे पास डिवाइसेस हैं उसके हिसाब से काफी अच्छी आती है। इस डिवाइस के अंदर हमें वैसे प्लास्टिक बॉडी मिलती है और पीछे की साइड में जो ये हमारे पास सनराइज कलर है, सन रेज जो नजर आ रही है आपको, ये देखने में काफी अच्छी नजर आती है। इसके साथ डिवाइस के अंदर आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, साथ ही डेडिकेटेड मेमोरी का स्लॉट है तो डिवाइस के अंदर आप आराम से अपना मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं और फिंगरप्रिंट लॉक, फेस अनलॉक भी मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो Realme की तरफ से ये हमारा काफी अच्छा डिवाइस है जो कि आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगा 4GB 64GB वाला वेरियंट। इसके बाद नंबर सेकंड पोजीशन पर आता है हमारे पास Vivo की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया फोन जो कि है हमारा Vivo का U10। इसके अंदर हमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर जिसके अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। आप देख सकते हैं रेकमेंडेड सेटिंग्स पे अगर आप PUBG को खेलना चाहें, एंजॉय करना चाहें तो आपकी गेम आराम से प्ले हो जाएगी, बाकी भी गेम्स चलाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ 6.35 इंच का डिस्प्ले है, हमारा HD प्लस डिस्प्ले है, फुल HD आपको नहीं मिलता, वो सारा हमारा चला गया है 10,000 के ऊपर, लेकिन डिस्प्ले जो है वो ब्राइट लगेगा, कलरफुल लगेगा और गेमिंग में, मूवीज में, वीडियोस में आप अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। इसके अंदर भी हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो कि आपको हैवी यूजेज में भी एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉक्स के अंदर ही हमें 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। मतलब उसी की अगर हम कीमत लगाएं तो वो हमारा 1,500 रुपए का फास्ट चार्जर होता है जो कि आपको बॉक्स के अंदर ही मिल रहा है। इससे आपको ये फायदा है कि डिवाइस आपका फटाफट से चार्ज हो जाएगा। कैमरास की बात करें तो हमें इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और अभी जो मैंने आपको Realme 5i बताया उसके अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता था, लेकिन तब भी ये हमारा नंबर सेकंड पोजीशन पे इसीलिए आया है क्योंकि इसके कैमरा में आपको सिर्फ मैक्रो कैमरा नहीं मिल रहा, बाकी आपको वाइड एंगल मिल रहा है, डेप्थ सेंसर मिल रहा है और मेन कैमरा हमारा 13 मेगापिक्सल का है, सेल्फी कैमरा भी हमारा 8 मेगापिक्सल का है। सैंपल्स आप देख सकते हैं इसका कैमरा भी हमारा काफी अच्छा है जैसे Realme का था, लेकिन मैक्रो कैमरा आपको नहीं मिलता। उसकी जगह जो इन्होंने हमें फास्ट चार्जर दिया है 18 वॉट का, वो मुझे ज्यादा बढ़िया चीज लगी, इसीलिए ये डिवाइस को मैंने सेकंड नंबर पोजीशन पे रखा है क्योंकि फास्ट चार्जर तो हम रोज यूज करते हैं जब भी डिवाइस को चार्ज करना हो, मैक्रो कैमरा 90% लोग यूज नहीं करते हैं। उसके बाद इस डिवाइस के अंदर भी हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है लेकिन इसके बैक में आप देख सकते हैं कि हमें ग्लॉसी लिप
लुक मिलती है जिसके अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट सी लाइंस आ रही है और पिकॉक सा शेड आ रहा है। देखने में डिवाइस आपका ये भी हमारा स्टाइलिश लगेगा। इसके अंदर भी हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट आता है। ओवरऑल डिवाइस हाथ में होल्ड करने में आपका स्टाइलिश लगेगा और बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगेगा। 5000 mAh की बैटरी के साथ आप आराम से इसको होल्ड करके यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमें मिलता है 3GB RAM 32GB वाला वेरियंट, जो कि आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगा और 10,000 रुपए के बजट में ये हमारा नंबर सेकंड पोजीशन पे आता है। अब नेक्स्ट नंबर वन पोजीशन पर आता है हमारे पास सबसे पावरफुल डिवाइस इस बजट का, जो कि है हमारा Lenovo का K10 Note। इसके अंदर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर, जिससे कि ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर बन जाता है। आपका एंटूतु स्कोर भी हमारा इसमें 280 प्लस आता है और गेमिंग को भी बहुत अच्छे से आप इंजॉय कर लेंगे। HD ग्राफिक्स के हाई फ्रेम रेट पे आप पबजी को आराम से खेल सकते हैं, आराम से इंजॉय कर सकते हैं। लैगिंग स्टटरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ हमें मिलता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। बाकी सारे डिवाइसेस जो हैं हमारे फुल HD प्लस डिस्प्ले वाले, वो तो 10,000 से ऊपर चले गए, तो ये हमारा इकलौता डिवाइस बन जाता है 10,000 रुपए के बजट में, अंडर 10,000 में, जिसके अंदर आपको पावरफुल प्रोसेसर के साथ फुल HD प्लस डिस्प्ले भी मिल रहा है, ताकि आप आराम से मूवीज को, गेम्स को अच्छे से एंजॉय कर सकें। साथ ही हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके अंदर बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाता है और 18W का फास्ट चार्जर इसके अंदर भी हमें मिलता है बॉक्स के अंदर, तो डिवाइस को फटाफट से चार्ज करके अपने एंटरटेनमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ कैमरा की बात करें तो हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 16+5+8 MP का। इसके अंदर आपको वाइड एंगल में मिल जाता है, डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है, पिक्स आप देख सकते हैं आपके सामने है। उसके साथ 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके अंदर भी पिक्स हमारी काफी बढ़िया आती है इस बजट में। इस डिवाइस के अंदर भी हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है, ग्लास बॉडी वाले सारे डिवाइसेस हमारे 10,000 से ऊपर चले गए हैं। वैसे लुक वाइज देखने में सोबर लुकिंग डिवाइस है हमारा और देखने में काफी सही नजर आता है। इसके साथ डिवाइस के अंदर हमें हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको 2 SIM कार्ड चाहिए या 1 SIM कार्ड 1 मेमोरी कार्ड चाहिए। लेकिन वैसे आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, 3.5 हेडफोन जैक मिल जाता है और उसके साथ आपको इसके अंदर फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा काफी बढ़िया डिवाइस है, जो कि आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगा इसका 4GB RAM 64GB वाला वेरिएंट। डिटेल में फीचर्स को जानने के लिए आप इसकी भी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे बेस्ट फोन्स जिनको आप खरीद सकते हैं लॉकडाउन के बाद इस बजट के अंदर। वैसे कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि कुछ लोग हैं जो कि अपनी शॉप के पीछे से बैकडोर से अपने कुछ फोन्स को बेच रहे हैं। मेरे हिसाब से आप उन फोन्स को ऐसे ना खरीदें, क्योंकि एक तो आपको वो क्या बेच रहे हैं आपको पक्का नहीं रहेगा, फोन खुले हुए ना हो, और उसके साथ आपको बिल भी वो नहीं देंगे। तो इससे बेटर रहेगा कि लॉकडाउन खत्म हो जाए, उसके बाद ही आप इन फोन्स को खरीदें। और तब तक कोरोना वायरस से बचने के लिए घर पे रहें, सेफ रहें और ऐसे ही वीडियोस को एंजॉय करते रहें।